never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting. अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं इरफान यूनस। आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट और मैं अप्लाई करने आया हुआ था यूएस एम्बेसी का। 7 से 8 महीने के बाद मेरी कॉल आ गई कि आओ जी इंटरव्यू देना हो, तो इससे आगे वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि मना है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, यहाँ से आगे एम्बेसीज को रास्ता जाता है। यहाँ मेरी पुरानी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ। देखो क्या होगा, वीज़ा देते नहीं देते भाई, जब लगेगा दे देंगे, नहीं लगेगा तब भी बताऊँगा। मैं सबसे पहले आया हूँ द आइकॉनिक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, 96-98 बैच MPA मैंने किया मेरे दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा पहले डिप्लोमेटिक क्लेम किया पहाड़ में, बाद में करूंगा, अपना पासपोर्ट बाद में लेकर जाऊंगा, पहले मैं आता हूं अपनी यूनिवर्सिटी को सलाम करता हूं, फिर मैं वहां जाऊंगा। तो मैंने बोला मैं आप लोगों को व्यूज को दिखाऊं। तो मैंने कोशिश करके अपनी ओल्ड फैकल्टी में आ गया, लेकिन अब यहाँ से हमारी फैकल्टी शिफ्ट हो चुकी हुई है, तो ये पुरानी यादें हैं हमारी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर। तमाम यूनिवर्सिटी के दोस्तों नाराज नहीं होना, लेकिन बताना जरूरी है कि हमारा बिल्कुल कॉर्नर पे आके ये स्पेशल थी कॉर्नर की जगह। अब सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता था, ये स्पेशल कपल्स की जगह होती थी, ओनली ओनली फॉर डेट्स, और कोई नहीं आता था यहाँ पे, और हम ऊपर बैठ के एंजॉय करते थे। नाराज नहीं सारे होने, सारे फायदा ग्रुप। नीचे हमारा डिपार्टमेंट डिफरेंट था, और ये हमारी यूनिवर्सिटी, ये हमारा बेसिकली डिपार्टमेंट था, अब यहाँ चेंज हो चुका है। ये हमारी क्लास हुआ करती थी यहाँ पर, यहाँ पे हमारे चार्ट्स लगते थे। इट वॉज गुड ओल्ड डेज, 96-98 से ये चीज़ लिखी नजर आ रहा है आपको, फायदा। ये फायदा बहुत से यूनिवर्सिटी के लोगों को पता है ये फायदा क्या था, और वो खुद ही कमेंट्स करेंगे इस ग्रुप के अंदर जब ये मैं इसको अपलोड करूंगा। फायदा ग्रुप ढूंढते ढूंढते मजीद हट्स 96-98 में बार हुआ करता था, अब ये जो है लाइब्रेरी के अंदर है, और ये हैं मजीद साहब के बेटे अनीस साहब हैं, इन्होंने स्पेशल दावत दी है, और यहाँ पर मुझे स्पेशल नाश्ता इन्होंने अरेंज करके दिया है स्पेशल, वही मजीद हट्स 96-98 की मैं याद करूंगा यहाँ पे बैठ के, पराठे चने। लेकिन अब जरा मॉडर्निज्म आ चुका है, पहले हम जो है ना अंधेरे में खाया करते थे, अब इनके साथ बैठ के जो है ना हम रोशनी में खाएंगे। क्या हाल है अनीस भाई? जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आज है 30th of July, और 24 जुलाई को मैंने जाके एम्बेसी में जाके इंटरव्यू दिया था, अमेरिकन एम्बेसी में, और इस वक्त आप देख रहे हैं मैं कहाँ हूँ। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, दिल धड़क रहा है, क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, अल्लाह पे छोड़ दो। गया हूँ PIA ऑफिस लाहौर में, और यहाँ पर पासपोर्ट मिलना है, देखते हैं भाई वीज़ा मिला या नहीं। देखना यह है जब पासपोर्ट हाथ में आएगा, अल्लाह ताला खैर करे। अब मैं अमेरिकन एक्सप्रेस से आया हूँ, मैंने खुद नहीं खोला, उन्होंने खोला, मैंने बोला दिखाना नहीं है भाई, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि अंदर के हालात क्या हैं। मैंने दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाह मेरे कुछ काम करवा दे, अल्लाह ताला बहुत करम करने वाला है। और ये पासपोर्ट है मेरे हाथ में, और हाँ ये क्या हुआ, हाँ 5 साल का वीजा लगा है अमेरिका का, 5 साल का वीजा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के नेमते हैं, माशाल्लाह बे इरफान अल्लाह ने हमेशा हमेशा नेमत से नवाजा है। ना गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली मेरे साथ आए हैं अमजद साहब, ले लो पायन, ले लो पायन, नो यूज, 2 मंथ्स, बस 2 मंथ्स का वीजा लगा है, बस यार बस 2 मंथ्स का वीजा लगा है। तुसी के अंदर 5 साल पता नहीं आ रहा है, हां यार देखो यार
मैं पहुंच गया हूं अपने घर पे और घर में आके ये बताना चाहता हूं ये मुझे मिल गया वीजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख 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 शुक्र है और अल्लाह ताला की तमाम नियमतों को शुक्र अदा करना चाहिए है। थ्री टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो मैंने इस पासपोर्ट को लेने में हासिल करने में लिए हैं। थ्री टिप्स, ओनली थ्री टिप्स, ये आप नोट कर लें तो इंशाल्लाह ताला वो आपको वीजा मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, बल्कि इसको चार टिप्स में समझते हैं। इंटरव्यू में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो भी आप फॉर्म में लिखते हैं अपना डीएस 160 जो होता है जो लिखते हैं उसके अलावा और कोई नहीं कुछ पूछता है इंटरव्यू के अंदर कि इंटरव्यू में ये सवाल किया, इंटरव्यू में वो सवाल किया, नथिंग एल्स। व्हाट इज एवर इट इज रिटन ओवर देयर ऑन द फॉर्म, वही पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो फॉर्म में लिखा है वो सही है। नंबर वन पॉइंट, बाकी सब बातें भूल जाए। नंबर टू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमेशा मैंने इसी का जिक्र किया है और मैंने मैक्सिमम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा है। टू एंड थ्री टिप्स, सिर्फ और अल्लाह का शुक्र अदा कि अल्लाह किया मेरे हक में बेहतर है तो मुझे ये वीजा दिलवाना और अल्लाह ने मेरा काम कर दिया। तो थ्री टिप्स मिल गया आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से दुआ मांगो, हर चीज मिलेगी। आप देख रहे हो माशाल्लाह बिल इरफान, मैंने कहा कि मुझे वीजा मिल गया है वो भी 5 साल का। जब जाना होगा मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो ट्रेवल व्लॉग कराऊंगा अमेरिका का, इंशाल्लाह न्यूयॉर्क, बफलो, चिकागो, वट एवर दिस आई विल प्लान। बट जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।